Good evening. Welcome, welcome, welcome to our day 16 practice of the magic book. आइए शुरुआत करते हैं आज की magic book. And Kavita, आज आप पढ़ना चाहेंगी? You want to read with me? Yes, ma'am. Wonderful. आपके पीछे की कुछ आवाजें आ रही हैं. Ma'am, am I audible, ma'am? नहीं, background की आवाज ज्यादा आ रही है. Ma'am, वो सत्संग चल रहा है. तो फिर आज मत करें आप. Okay, yes, please. That will be lovely. All right. So let's start. Day 16th. Jadoo mein, swasth mein jadoo aur chamatkar. Day 16, magic and miracles in health. Chamatkar prakriti ki vipreet nahi hai. Yeh to sirf uske vipreet hai, jo hum prakriti ke baare mein ab tak jante hain. सेंट ऑगस्टीन ने ये वाली धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष थे उन्होंने थियोलॉजियन और कैथोलिक बिशप थे उन्होंने ये बोला कि मिरेकल्स आर नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर बट ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर सो मिरेकल्स तो नेचर का सेकेंड रूप है हमें लगता है मिरेकल हो गए मैजिक हो गए बट दैट इज व्हाट नेचर गिव्स अस अगर हम लव एंड लाइट की दुनिया में चलते हैं तो वो उसके विपरीत नहीं है वो एक्चुअली उसके साथ है लेकिन हमें प्रकृति के बारे में पूरा पता ही नहीं है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमने टैप ही नहीं किया इतना तो हमें लगता है अरे वाह मैजिक्स हो गए मिरेकल हो गए बट हम इंसान पता है कैसे बने थे किस प्रवृत्ति के साथ बने थे कि हम जो चाहे हमें मिले लेकिन हमने उसका शोषण भी किया हमने रॉन्ग पाथ पे जाकर भी अट्रैक्ट किया मैनिफेस्ट किया नेचर के उस रूल को यूज किया तो प्रॉब्लम्स आई जहां लोग व्हाइट मैजिक करते हैं तो लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं सो लेट्स ऑलवेज एक्नॉलेज अपने अपने आप को इतना वो रखें हमारा एक संकल्प लें कि हम हमेशा सत्य के पथ पे चलें मैजिक के पथ पे चलें सो दैट हम सब लाइफ में जो चाहें वो मिले एंड इट शुड बी मोस्टली पॉजिटिव कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं वो भी हो जाता है सो थोड़ा सा हमें अपनी नेचर को देखना है कि कितनी पावरफुल नेचर है हमारी आपके सामने मैजिक एलिक्सर की बॉटल रखी हुई है छोटी छोटी बॉटल्स हैं बड़ी बड़ी हैं ये अमृत है बस इसको हमें अपने अंदर ढूंढना है हमारी बॉडी में एलिक्सर ही एलिक्सर भरा है 70% हमारी बॉडी का वेट इज वाटर तो अगर आप चाहें तो वो वाटर एलिक्सर बन सकता है आपको सिर्फ टैप करना है अपने अंदर सो जो हमारी हेल्थ के इश्यूज होते हैं 99% मैन मेड होते हैं 99.9% साइंस तो बोलती है 100% मैन मेड होते हैं अपने आप से कुछ नहीं आता जीन्स में अगर आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं हमारे जीन्स में है वजन उसी फैमिली में एक या दो लोग मिल जाते हैं जो बहुत पतले रहते हैं तो अगर जीन्स में होता तो सभी ए टू जेड मोटे होते ना एक दो पतले कैसे रहते उन्होंने उस बात को बढ़ावा दिया वो लोग कैसे वाली बातें करते हैं कि हम तो पानी पीते तो वो भी वजन लग जाता है तथास्तु जो बोला वो मिल जाएगा आपने इस बात को बिलीव किया ना तो मिलेगा ही मिलेगा सो इसलिए वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल कि हम क्या मांगते हैं आइए चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं कि आज हमें करना क्या है सबको आइए शुरू करें गुड इवनिंग एवरीवन हेलो प्राची हमें ज्यादातर समय स्वस्थ ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है बहरहाल वास्तविकता में यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों कई लोग बीमारियों अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक संबंध स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है तो द सीक्रेट वेबसाइट का नाम पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें तो सीक्रेट टीवी में जो स्टोरीज हैं इतनी सारी स्टोरीज हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज ग्रैटिट्यूड को यूज करके लोगों ने अपनी लाइफ में चीजें संभव करी असंभव चीजें भी संभव करी हैं सो पहली बात तो जब हम पैदा होते हैं हमें भगवान
स्वस्थ बनाकर देता है, खूब एनर्जी ऊर्जावान बनाकर देता है और खुशी से भरपूर हम होते हैं। तभी आपने बच्चों को देखा होगा कि छोटे बच्चे हमेशा जब पैदा होते हैं तब वो तो बस वो मन बंद आंखों से मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे होते हैं? वो अपने कमरे में जो एंजल्स हैं उनसे बातचीत कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि अरे पुराने जन्म में है, यू नो, सोच रहा होगा, उसके बाद भूल जाता होगा, तो वो बहुत हैप्पी वर्ल्ड में है, तो हैप्पीनेस से पैदा हुआ है, उसको अपनी लाइफ का पर्पस पता है, सब कुछ पता है। लेकिन जैसे जैसे वो लोगों की बातें सुनने शुरू करता है, प्रेग्नेंट जब माँ होती है तभी उसकी गर्भ में जब शिशु होता है वो सुनता है, अपने आचार विचार संस्कार लेता है अपने पेरेंट्स से। नाउ जैसे जैसे वो आचार विचार संस्कार लेता है, जब वो बड़ा होता है उसका बर्थ राइट क्या था? हेल्दी रहना, एनर्जेटिक रहना, हैप्पी रहना। लेकिन उसने क्या सुन लिया? डाउट, प्रोकेस्टिनेशन, कि मैं सोचता रहूं अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और फिर क्या करता है? धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बीमारियां शुरू हो जाती है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मामा उसने पुश कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि उनको अपने ऊपर डाउट हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो तो एकदम बेफिक्र होते हैं, मटकते रहते हैं, यू नो, डांस करते रहते हैं, उतारू होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जिज्ञासु होते हैं। जैसे बड़े होते हैं धीरे धीरे वो उनका मुंह बंद हो जाता है। फिर माँ बाप बोलते क्या हुआ, क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे? आपने उनको इतना चुप कराया जब छोटे थे, रिलाइज नहीं, आप सोच रहे थे कि आप उनको मदद कर रहे हो ग्रोइंग अप में, एक्चुअली आपने बेचारों को उल्टा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, वो हमारी जर्नी थी, अब वो उनकी जर्नी है। एंड बहुत छोटे छोटे बच्चों को आजकल डिप्रेशन की बीमारियां शुरू हो गई, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ इज बिकम ह्यूज चैलेंजिंग। स्कूल्स में जो एजुकेशन होती है वहां पर आजकल काउंसलर शुरू हो गए होना, बिकॉज बच्चे मेंटली साउंड नहीं होते हैं, पेरेंट्स तो समझ में नहीं आता कैसे संभालें। फिजिकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट थी, बहुत पहले से पीटी बोलते थे, प्ले टाइम या फिजिकल एजुकेशन पीई बोलते थे, वो क्लासेस होती थी। अब मेंटल हेल्थ के ऊपर भी जो बहुत जो थोड़े से मॉडर्न स्कूल्स हैं प्राइवेटाइजेशन में, वहाँ बहुत ज्यादा सेशंस होते हैं काउंसलर्स के। कई लोग का मेन फील्ड होता है कि हर हफ्ते आधे घंटे की एक मेंटल अवेयरनेस की क्लास होनी चाहिए, चाहे असेंबली में हो, चाहे कहीं हो। कई कई बच्चे, कई स्कूल्स पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? बिकॉज अब डिप्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ, फुल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब में बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। सो हमें लगता है कि अरे हम तो अधूरे हैं, कुछ कमी है। कमी होने की वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई, डाइवर्जन शुरू हो गया। लेकिन अब हम आते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, जो बड़े लोग की हेल्थ के लिए आते हैं। हमारे शरीर से और हमारे मन से हमें फुल स्टेट ऑफ हेल्थ का एक्सपीरियंस मिला है, जो हम आराम से जी सकते हैं अगर हम कृतज्ञता को अपना माध्यम बना लें। तो इसका सिंपल मतलब है कि हम सबको राइट है अपनी हेल्थ फुल ऑन जीने का, ब्यूटीफुल हेल्थ जीने का, कुछ भी एडवेंचर करने, कहीं पर भी कैसे भी करने का, डजंट मैटर 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल क्या उम्र है। एज इज ओनली इन द माइंड। अगर आपने देखा हो कितने लोग 90s मैराथन रन करते हैं, वो क्यों ऐसे होते हैं? आजकल एक बहुत एक फैशन आइकॉन का, डिजाइनर का आ रहा है, लेरा, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, शी इज 73 इयर्स ओल्ड, शी इज लुकिंग सो स्टनिंग, 20-30 साल की बॉडी लग रही है उनकी, एकदम स्किन भी है। क्यों? व्हाई? बिकॉज़ एज इज ओनली इन द माइंड। सो हम अपने मेडिकेशन को भी उपचार बना सकते हैं, मैजिकल बना सकते हैं, सो दैट हमारा शरीर और हमारा मन पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाए। और उसका बहुत आसान है जाना, हमें सिर्फ अपने हेल्थ को एक होलिस्टिक वे में अप्रोच करना है और अपनी लाइफ में अपने आप से संकल्प लेना है कि मेरी बॉडी इज फुल ऑफ मिरेकल्स एंड हेल्थ। ये एफर्मेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे हम कंप्लीटली रिस्टोर हो जाएंगे, री एनर्जाइज हो जाएंगे, रीप्रोग्राम हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो खत्म हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज ग्रैटिट्यूड क्रिएट्स मिरेकल्स इन आर लाइफ। सो अगर हमें मिरेकल्स चाहिए हेल्थ में, तो ग्रैटिट्यूड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आइए आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम उसको प्रभाव को बढ़ाएं। आइए पढ़ें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी हुई होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है
तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। अगर हमें लाइफ में जो मैन मेड हमने प्रॉब्लम्स बनाई हैं और जो इमोशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स बनी हैं, अगर हमको हील करना है, सो वन एंड ओनली मंत्रा है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड होने से चीजें और भी लाइफ में आ सकती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छे से काम करेगा, वो सब होगा। बट पहला एटीट्यूड हमें जो अपनाना है वो है कृतज्ञता का। आज आपका 16th डे है प्रैक्टिसेस करने का और 18th डे है मैजिक बुक शुरू करने का। अगर हमने डिलीजेंटली शिद्दत से रोज काम किया है, सो आई डोंट थिंक एक भी इंसान होगा जिसने वो काम किया जो बोलेगा कि नहीं, नई लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स इम्पॉसिबल। एवरी सिंगल डे मैजिक्स आते हैं अगर हम रेडी हैं एम्ब्रेस करने के लिए। नेगेटिव फीलिंग्स आना स्वाभाविक है, नेचुरल है। ये नहीं कि नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगा, डेफिनेटली आता है और आएंगे भी अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं लिखेंगे। ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन हमें अब क्या जागरूक होना है, क्या अवेयर होना है कि जब भी नेगेटिव फीलिंग आए हमें उस समय ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, मैजिकल फ्लो को बढ़ाना है। ठीक है, बीमारी आई, ठीक है नेगेटिव फीलिंग आई, ओके एक्सेप्ट कर लें और तुरंत ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दें। बीमारी अगर आई तो बॉडी पार्ट, किसी और बॉडी पार्ट के लिए जो सही चल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई नेगेटिविटी आई तो उसी क्षेत्र में, उसी फील्ड में कुछ चीज पॉजिटिव भी होगी, उसको एक्सपैंड करना इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सब करेंगे तो कभी भी हम ज्यादा नेगेटिव की दुनिया में नहीं रह पाएंगे। सो पॉजिटिव फील्ड्स को कैसे बढ़ाना है, आगे और पढ़ते हैं। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हों, अस्वस्थ हों या दर्द में हों, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपको स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियायामी नीति बनाने जा रहे हैं। त्रियायामी नीति, थ्री फोल्ड स्टेप्स हमें क्या करना है अभी हम करते हैं। बट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, हमें पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बावजूद भी हम लोग नोइंगली अनोइंगली, जाने में अनजाने में, अपनी बॉडी को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। किस टाइप से, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर माइग्रेन है और मैं बार बार बोलूं मुझे माइग्रेन हो रहा है, तो मैं उसको इनवाइट कर रही हूँ और वो जादुई प्रवाह से बढ़ के आएगा। ओके, नाउ दिस इज, आपको लगेगा बड़ी फनी है, ये तो क्या बात बोल रहे हैं, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के लिए नीचे की लाइन आती है, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी ले लिया जाएगा। क्या है मेरे पास अभी?
मेरे पास अभी थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है, माइग्रेन होता है 3 घंटा, बाकी 21 घंटा नहीं होता। लेकिन बाकी 21 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे मैं बोलती हूँ मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन है। अब क्या हो रहा है, बॉडी सुन रही है मुझे माइग्रेन है ना, फिर क्या देगी मुझे और माइग्रेन की अपॉर्चुनिटीज। अगर मुझे अपनी बॉडी में कोई पसंद नहीं है, सपोज फ्रेकल्स आ रहे हैं, झुर्रियां आ रही हैं, ग्रे बाल आ रहे हैं, कुछ भी एजिंग के कुछ भी अगर आ रहा है, तो मैंने सुना है कि एजिंग में तो ये चीजें नॉर्मल हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ, अरे एजिंग की वजह से ये सब चीजें हैं ना, कोई बात नहीं, एजिंग की वजह से है। क्या जरूरत है मुझे बोलने की कुछ भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव बात तो नहीं है ना। अगर मुझे कुछ चीज पसंद नहीं आ रही बॉडी में, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, बट मैं बोल रही हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, तो क्या मैं अपने आप से पूछूं कि मुझे ये चीज बोलना है या मैं अवॉइड कर सकती हूँ? क्या ये शिकायत की तरह साउंड कर रही है? एक मास शिकायत हो रही है, क्योंकि ये तो नेचर का फैक्ट है भाई, मैं शिकायत कहाँ कर रही हूँ, तो फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। बट ये फैक्ट नेगेटिव वाइब के साथ है, पॉजिटिव वाइब के साथ है, मुझे एनालाइज करने की जरूरत हो। अगर मेरा वजन बढ़ गया है, सबको बोल रही हूँ मेरा वजन बढ़ गया है, तो अगर मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही हूँ, तो मैं अपने आप को जोखिम में डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शिकायत कर रही हूँ। मैं उल्टा क्या बोल सकती हूँ कि हाँ, अब मैं होप कर रही हूँ, आई विश कर रही हूँ कि मेरा जो वजन धीरे धीरे बढ़ा है ये फटाफट खत्म हो जाए, मुझे स्ट्रेंथ मिल जाए कि मैं डेडिकेटेड डिसिप्लिन हो जाऊं, कम खाना खा पाऊं और धीरे एक्सरसाइज शुरू कर पाऊं। मुझे पता है मैं चैलेंज हो रहा था, आई होप ये खत्म हो जाए। सो दैट इसमें आशावादी अप्रोच है, होप है, निराशावादी होपलेसनेस नहीं है कि अरे यार वजन बढ़ गया अब मैं क्या करूं, अभी चला नहीं जा रहा। सो हमें बहुत, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, बोलना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर हम ठान लेंगे कि हमें करना है तो हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कृतज्ञता देनी है अपनी बॉडी के लिए कि भैया इतना भी मैंने तुमको वजन दे दिया और तुम हिल डुल नहीं पाते हो, उसके बाद भी तुम चल रही हो। कल ही मैं अपनी ग्रैंड मदर से बात करी थी, वो किसके बारे में बता रही थी कि हस्बैंड को तो कोई प्रॉब्लम आ गई है, उनकी तो डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है, तो सूख के कांटा हो गए हैं। और जो वाइफ है उनकी, वो क्या 150 किलो की हो गई है, शिवर सिंह, और वो कितनी थी 70-80 किलो की थी, और 150 किलो की हो गई 1.5 साल में। अब उनको हिलाने डुलाने के लिए भी मेड होती है, और वो क्या बोलती है कि नहीं अब तो भाभी हम हिल ही नहीं सकते, अब तो हम हिल ही नहीं सकते, शरीर ने साथ छोड़ दिया। अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया होता तो उनके प्राण चले गए होते ना, वो अलाइव कैसे होते? सो हमें अभी अवेयरनेस आनी पड़ेगी कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर समय काम कर रहा है, हम शरीर के बारे में शिकायत कर रहे हैं, समस्याएं ला रहे हैं, या आशावादी हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड का सहारा ले रहे हैं। सो हमें कैसे क्या करना है ये आपके ऊपर है। अभी आपने जो बातें सुनी उससे थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं शायद हम, क्या ले यार ये तो पता ही था कि शायद ये भी कर रहे थे, ओके लेट्स थिंक अबाउट इट, इसको तो कैसे बदले हम। सो इसमें लिखा हुआ है कि इस वक्त क्या आप अभी बीमार हैं, क्या आप अभी अनहेल्दी हैं, क्या आपकी बॉडी में कोई एक्स एंड पेन्स हैं ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर ये सब भी है तो भी आप लिव कर रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, पल्सेस चल रही हैं, हार्ट बीट चल रहा है। सो आप आराम से इन सब चीजों को नलिफाई कर सकते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को उत्पन्न कर दें, जागरूक कर दें, जो मुश्किल नहीं होता। कैसे मुश्किल नहीं होता? आपकी बॉडी पार्ट में जो भी एक बॉडी पार्ट जो आपको पसंद है, कुछ फंक्शनिंग पसंद है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करें उस वहां अपना हाथ रखकर। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना हार्ट बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं दिल पे हाथ रख के बोलूँ थैंक यू हार्ट तुम इतना धड़कते हो, आई एम सो ग्रेटफुल कि इतना कुछ होता है फिर भी तुम परफेक्ट चल रहे हो, या पल्स पे हाथ रख के कि थैंक यू तुम चल रही हो तो मुझे लाइफ मिल रही है। और फिर फील करें पल्स को ना, आप यहाँ दिल को, दिल की धड़कन को या पल्स को आप फील कर सकते हैं, आपके नीचे होता है, यू नो फ्लकर होता है, उससे क्या होता है आपको पता है कि मेरी बॉडी चल रही है, एक्टिव है। अब लिवर के ऊपर मैंने हाथ रखा तो लिवर की मूवमेंट तो मुझे नहीं समझ में आएगी, दो लिवर प्रोसेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बट फर्स्ट थिंग, ग्रेटिट्यूड लाने के लिए दो बॉडी पार्ट्स आपके हर समय रहेंगे, आपकी नर्व्स या आपके दिल की धड़कन, इनके ऊपर हाथ रख के समझिए कि बॉडी हर समय अलाइव है, थ्राइविंग है। तो अगर मैं अस्वस्थ हूं, मैं इनको बोल सकती हूँ कि मुझे हेल्प करिए टू बिकम मोस्ट अस्वास्थ्य, एंड मुझे पता है गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रख रहा है। जैसे भी हमें करना है हमको ये चीज करना चाहिए। रोंडा बर्न ने हमें 3-4 स्टेप बताए हैं जिससे हम हैप्पी भी हो जाएंगे एंड मैजिकली ट्रांसफॉर्म भी हो जाएंगे। 3-way स्टेप क्या है, जिससे हमारी जो भी रिजल्ट्स हैं वो एक्सेलरेट हो जाएंगे।
पहला कदम, मैं इंसान एक बार पढ़ लेती हूँ लोगों के लिए। जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, रिमेम्बर पास्ट में जब आप छोटे बच्चे थे बड़े थे, आपने जो भी हेल्थ के लिए आपको मिला है पास्ट में, तो मेरे ख्याल शायद ही बहुत कम बच्चों के ऑपरेशन होते होंगे या यू नो प्रॉब्लम्स आती होंगी, एटलीस्ट आपकी एनर्जी अच्छी थी। और अगर आज बेटर है तो फिर आज तो खैर है ही। तो हमें बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन को आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें, ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन तीन अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उस समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से तीन अलग अलग समस्याएं याद आ जाएंगी। सो आज हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें ही प्रैक्टिस करेंगे हम पास्ट में जाकर हमारे कहां कहां तीन जो हमें मैजिकल पॉइंट्स थे वो हमें याद आना है, सो दैट हम उसके बारे में ग्रेटिट्यूड दे सकें। ओके, एंड वी विल फील कि हाँ, जब मैं डिग्री मिली थी या जब मुझे ये मिला था, कोई टॉय मिला था, कुछ मिला था तो मुझे ग्रेटिट्यूड हुआ। सेकेंड स्टेप, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, इस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही हैं। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के पांच कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये भी हम डेफिनेटली आज मेडिटेशन करेंगे, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, क्या वो एक्शंस कर रहे हैं, कैसे उनके मैकेनिज्म है, कैसे वो चल रहे हैं, हम धीरे धीरे उनको याद करके थैंक यू बोलेंगे। थर्ड स्टेप क्या है सानिया, आप पढ़ें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में, ये फ्यूचर है या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी हम मेडिटेशन में यूज करेंगे, अभी पढ़ते हैं। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर की किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो एक मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने जो आपके शरीर में कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने जो आपके शरीर में के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषण तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन की खुद पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी चीज पढ़ें, चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। सो बहुत इम्पोर्टेंट है हमको समझना, ये थर्ड स्टेप है, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का स्टेप है, मैनिफेस्टेशन का स्टेप है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप है। हम जैसे शरीर चाहते हैं फ्यूचर में, उसको हम बंद आंखों से इमेजिन करते हैं। मैंने कितने लोगों के साथ सुना उनके उनके शेयरिंग्स को, कई लोग ने अपना कम्प्लेक्शन बेटर कर लिया, कई लोगों ने स्किन में टाइटनेस ले आए, कई लोग अपने बाल बेटर ले आए। पहले वो कंप्लेन करते थे मेरे बाल बहुत खराब है, बाल बहुत खराब है, बाल बहुत खराब है। फिर उन्होंने ये अच्छा उन्होंने क्या किया, ये वाली मेडिटेशन 3 हफ्ते तक लगातार करी एवरी सिंगल डे। उससे क्या हुआ, वो फीलिंग्स उनकी मैनिफेस्ट हो गई। रोंडा बॉन का क्या, लुईसी का क्या बोलना है कि अगर आप 17 सेकेंड्स वो डीप फीलिंग में आ जाओ, स्टैंस में आ जाओ कि जहां आप वो फील कर पा रहे, तो आप अपने 20 घंटे का काम बचा सकते हो। आपको बहुत फनी लगेगा अगर मैं बोलूंगी, बट अगर आप बैठे बैठे लेटे लेटे भी सूर्य नमस्कार की वीडियो लगा लिया और आप इमेजिन कर रहे हो कि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को कई बार समझ में नहीं आता कि वो कर रही है सूर्य नमस्कार कि वो इमेजिन कर रही है कि वो कर रही है। आप लोगों ने कभी देखा होगा अपने आप को, कभी आप मूवीज में जाते हैं जहाँ 3D मूवीज होती है, वहां सीट्स भी हिलती हैं सब आपको, या यू नो आप यू नो मूवी के साथ साथ आप टेढ़े ऐसे हो रहे हो, ऐसे हो रहे हो, अंदर जा रहे हो, आपकी बॉडी को उस समय पता है क्या लग रहा होता है कि सारा एक्चुअली मैं स्पेसशिप में बैठा हूँ और एक्चुअली ये अटैक हो रहा है, मैं इसे डक कर रहा हूँ। ये हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल है, इसको बुद्धू बनाना भी इतना ईजी है। सो जब हमें पता है इतना कुछ है तो हम क्यों अट्रैक्ट नहीं कर सकते जो हम एक्चुअली चाहते हैं। सो आज की जो मेडिटेशन रहेगी, हम डेफिनेटली अपनी हेल्थ के बारे में आज सब कुछ करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब उसको, अगर आपको पावरफुल लगे तो अगले 2-3 हफ्ते तक रोज करें, तो आपको खुद मालूम पड़े कि फर्क आ रहा है कि नहीं, अपने आप देखेंगे तो फर्क आएगा। एंड यू नो लोग सोचते हैं कि मैं एक विश करूं, आपकी 10 विशेज है बॉडी में, 10 करो ना। आस बिलीव रिसीव, किसने बोला कि इतना ही मिलेगा, इतना मांगो ना, विश्वास रखो ना कि मुझे मिलेगा, तो मिलेगा, देर सवेर मिलेगा जरूर। अगर आप मन में आपकी ये है भी संकल्प ना कि मुझे ऐसा बनना है तो मैं बन पाऊंगी, ये डेफिनेटली आप लोग को बिलीव करना है। कितने लोग हैं उन्होंने चश्मे अपने उतार दिए कि भाई पहले बहुत पावर थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर खत्म हो गई। रोंडा बर्न लुईस हे ने अपनी किताब में इसके बारे में जिक्र भी किया है कि वो लेडी बोलती है कि आई कांट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चश्मे वापस आ जाते हैं क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसकी बॉडी देख पा रही है बिना किसी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट के। तो हमारी बॉडी बहुत बहुत पावरफुल है, लेकिन हमें इसकी एनर्जी को हार्नेस करना पड़ेगा। इतना ही आसान है इससे काम करवाना और सब करना। हिपोक्रेटस एक पाश्चात्य चिकित्सा के जनक थे, मेडिकल साइंस के फाउंडर थे। उन्होंने क्या बोला, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हमारी बॉडी में सारे केमिकल्स हैं जो आप दवाइयां खाते हैं, कभी पैनाडोल खा रहे हैं, टाइलेनॉल खा रहे हैं, या आपके क्रोसिन्स खा रहे हैं, कुछ भी आप खा रहे हैं, ये आपकी बॉडी में नेचुरली हैं। उनको हार्नेस करने की जरूरत है, हीलिंग करने की जरूरत है, और जो प्रॉब्लम है उसको एक्सपैंड करने की जगह सोल्यूशन को एक्सपैंड करने की जरूरत है। अब कई लोग बोलते हैं आई एम अ सोल्यूशन, नहीं आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम सॉल्वर में भी प्रॉब्लम शब्द आ गया ना, उसका उसका विपरीत क्या होगा, कोई बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में, कि अगर मैं बोलूं कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं तो मेरे पास प्रॉब्लम्स 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 आएंगी,
सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मैंने इसको मैनिफेस्ट किया बोल के कि आई एम प्रॉब्लम सॉल्वर. सो मेरी एनर्जी भी ड्रेन होगी बिकॉज जो लोग मेरे पास आएंगे वो प्रॉब्लम्स लेके आएंगे एंड मैं डेफिनेटली सॉल्व कर पाऊंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी भी उसमें खराब होगी. सो प्रॉब्लम सॉल्वर की जगह हम ऑप्शन क्या बोल सकते हैं, आई एम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, कि मेरे पास आओगे तो सोल्यूशन 100% मिलेगा. सोल्यूशन प्रोवाइडर, हीलर बोलेंगे तो बहुत जेनेरिक वर्ड है. सपोज मुझे एक पर्टिकुलर चीज करनी है, हीलर्स तो हजार प्रवृत्ति के होते हैं, देयर आर एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ मोडालिटीज ऑफ हीलिंग, तो बहुत जेनेरिक हो गया. यू कैन से आई एम अ हीलर, फाइन, हम सब बोलते ही हैं कि मे आई बी अ चैनल ऑफ लव लाइट ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग्स टुडे, वो हम बोलते ही हैं, सो इट्स ओके टू बी अ चैनल, दैट्स फाइन. लेकिन हम अपने आप के लिए कुछ चीज बोलें भी ना, तो जो टैग अपने पास लगा रहे हैं उसको भी सोच समझ के लगाएं, लिमिटेड ना टैग कर लें और अपने आप को, अपनी जर्नी को लिमिटेड ना कर लें. यू हैव टू बिकम लार्जर देन लाइफ. आइए सानिया, कंक्लूड करते हैं चैप्टर को. स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं. यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं. लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं. अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बनी रहना है. सो अगेन, हमें अपनी लाइफ में 100% मैजिक से मिरेकल्स लाने हैं, तो हमें क्या करना होगा, शिद्दत से, डिसिप्लिन तरीके से इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये नहीं कि आज पढ़ लिया, आज हमने मेडिटेशन कर ली, आज प्रैक्टिस कर लिया, बोले काम हो गया. हमें इसको रोज की रोज करना होगा. इनफैक्ट एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स करना होगा शुरू में. क्यों? तो जब हमारे अंदर उसकी प्रक्रिया का तेज फ्लो जल्दी बढ़ जाए. सुबह दोपहर शाम करेंगे तो जल्दी फ्लो बढ़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी इंप्रेशन आएगा. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, और हमारी बॉडी है, प्रेजेंट टेंस में अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन कैसी दिख रही है, नेगेटिव, होपफुल कि पॉजिटिव. होपफुल एंड पॉजिटिव में ज्यादा फर्क नहीं. होपफुल में एक उम्मीद होती है और पॉजिटिव में पता है कि मैं उस बॉडी में लिव कर रहा हूं. सो हमें क्या चीज चाहिए, होपफुल भी अच्छा है, पॉजिटिव तो बहुत ही अच्छा है. सो इसलिए अगर हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए तो हमें एक आइडियल इमेज बनानी है अपनी, जो हम चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारी हमारी कमर का साइज 26 इंची हो, तो हमें सिर्फ 26 इंची कमर पे करने की जगह अपने आप को देखना चाहिए कि वो 26 इंची क्या कर रही है. क्या आप उस समय योगा कर रहे हो? योगा करने से क्या हो रहा है, सेंटर बैलेंस अलाइन हो रहे हो. मैराथन करने से क्या होता है, आपने देखा है जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जो ज्यादा रूप में करते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं बॉडी थोड़ी सी वो होती है, आप ओवरडू कर रहे हो किसी चीज को. सो कल हमने एक सेशन किया था एंड मैं बहुत खुश थी उस सेशन करने से. एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट आई थी अमेरिका से फॉर आ सेशन इन न्यू, एंड उन्होंने सेशन का नाम रखा था इज 150 द न्यू 80. सो उन्होंने बोला कि जो एवरेज एज फ्यूचर में होने वाली है इंसानों की, 80 पे नहीं होकर 120 तो होगी ही होगी. सो इट वॉज सच ए पावरफुल सेशन. एनीवेज आप देख रहे होंगे कि अभी भी हमने बॉडी का स्पैन बढ़ा दिया है. अगर हार्ट खराब हुआ तो उसमें रिपेयर कर दिया है, यू नो स्टेंट लगा दिए हैं, फ्लो बेटर हो गया है, बॉडी पार्ट्स चेंज हो जाते हैं, तो आपको लाइफ मिल जाती है. तो एनीवेज साइंस इतनी प्रोग्रेस कर रही है, फ्यूचर में और भी चीजें आएंगी जहां हम प्रोग्रेस करके आगे बढ़ पाएंगे. लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली थी उन्होंने, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हेल्थ का चैप्टर ही चल रहा है, हम कल यही पढ़ के आए, मॉडरेट होना जरूरी है. एक्सरसाइज भी ये नहीं कि घंटों घंटों जिम तोड़ रहे हो, अपनी बॉडी को तोड़ रहे हो, या घंटों घंटों मैराथन कर रहे हो. मॉडरेट क्या बोल रहे हैं, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने कि रेस्टफुल डीप स्लीप. वो तो ये भी बोल रही थी कि वो उन्होंने ब्लू, वो यू नो अपना येलो एलईडी बल्ब लगा रखा है बेड साइड पे,
एंड ब्लू लाइट खत्म करके जो चश्मे पहन लेती हूँ वो मेरे हस्बैंड नेटफ्लिक्स देखते, तो मैं ब्लू चश्मा पहनती हूँ कि ब्लू लाइट खत्म हो जाए, सो दैट यू नो आई एम इन दैट वर्ल्ड. ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट था. लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में सोने के 2 घंटे पहले टेलीविजन मोबाइल फोन्स बंद कर दें, मेडिटेटिव स्टैंड में आ जाएं, अगर आपके पास स्मार्ट वॉचेज हैं, आप खुद दिखेंगे कि उस रात डीप स्लीप का टाइम और ड्यूरेशन लंबा है बजाय कि जिस रात को आपने अपने आप को एक्सपोज किया टेलीविजन से. सो दैट्स वन थिंग. सो लेस सोशल मीडिया, लेस ब्लू लाइट एक्सपोजर, मोर स्लीप, मॉडरेटली एक्सरसाइज करो, स्मॉल एंड स्टेडी स्टेप्स. अब मुझे कोई बताया कि मैंने अगर मैराथन रन करी 50 किलोमीटर की एक दिन महीने में और बाकी 28 डेज मैं मॉडरेटली वॉक कर रही हूँ या मैं कई बार नहीं भी करती, वो बेटर है या मैं रोज मॉडरेटली 40 मिनट्स वॉक करूँ या योगा करूँ, क्या बेटर है आपके हिसाब से? क्या बेटर है कि एक दिन बहुत ज्यादा करके बाकी दिन नहीं करो या थोड़ा बहुत करो, या सबसे सस्ता तरीका लाइफ में जो आपको मिलता है योगा? योगा के लिए तो आप कमरे से बाहर भी नहीं जाना होता, सूर्य नमस्कार तो आपके 7 फुट के 6 फुट के एरिया में ही हो जाता है. वॉक भी कर ले तो भाई आपने तो सोने पे सुहागा कर दिया. और कुछ नहीं तो योगा पे ध्यान दीजिए, सो दैट आपका आपकी मेडिटेशन भी हो रही है, बिकॉज योगा इज ऑल्सो मेडिटेशन. आप लोम विलोम कर रहे हो, आप अनुपान कर रहे हो, यू आर सीइंग योर ब्रेथ वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. वॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट योगा है. एंड योगा से लोग बोलते हैं वजन कम नहीं होता, लेकिन अगर आप योगा ढंग से करें तो वजन डेफिनेटली कम होता है, स्पेशली सूर्य नमस्कार करें प्रॉपरली तो कम होता है. एंड वॉक कर लें तो बहुत ही अच्छा है. कई बार वॉक का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है, हम दिल्ली में रहते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है. एंड मास्क ले तो आप अपनी सांस ही ले रहे हैं. तो आप देखो क्या, बट जो चीज नेचुरल कर सको ना, जहां आपको किसी और की जरूरत नहीं है. अगर हमने वेट उठाया तो हमने आर्टिफिशियल वेट उठाया, हमने जिम किया तो कुछ आर्टिफिशियल चीज चाहिए. हमारी बॉडीज कैसे प्रोग्राम्ड है, अपने आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं. लाइक कई लोग ढूंढते हैं कि मुझे वॉक के लिए कंपनी मिल जाए तो मजा आ जाए, अकेले तो नहीं होता. अकेले अपनी कंपनी को एंजॉय करना भी एक बहुत बड़ी कला है जो हम सब अपने अंदर इंटरवाइन करते हैं. दिस इज माय टाइम, ये मेरा टाइम है, कोई भी इसमें नहीं आएगा, मैं वॉक कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ. अगर हमने वॉक को या योगा को एंजॉयमेंट से कर लिया तो हम बहुत बहुत आगे जा सकते हैं. बट अगर हमने कहा हाई वॉक पे जाना पड़ेगा, उसका बेनिफिट भी कम होगा. सो मानसिक रूप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, यू नो, क्या मानसिक अवस्था है हमारी. तो ये आज का चैप्टर था और हम मेडिटेशन करते करते इसको पूरा करेंगे जो हम अभी पढ़ेंगे जादुई अभ्यास क्रमांक 16 में. आइए देखते हैं कि आज हमें करना क्या है एंड डेफिनेटली मेडिटेशन में उसको पूरा भी करेंगे. मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार. पहला, ये लाइफ लॉन्ग प्रिंसिपल है. पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर सकें आप. रीरीड करिए, फीलिंग्स लाइए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, उससे आप एक डीपर स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में आते हैं. नंबर टू, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों के बारे में याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें. थर्ड, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हों और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें. नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हों. 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर उससे आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें. 5वां, आज रात होने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें. ओके, एनी डाउट सो फार, या मेडिटेशन कर लें स्ट्रेट अवे? अच्छा, मेडिटेशन में मैं आपको गाइड करूंगी तो आप वैसे फॉलो करेंगे, लेकिन जब आपको एक चीज के बारे में सोचना है अपनी बॉडी के बारे में, आप एक होलिस्टिक व्यू देख सकते हैं कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या चीज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नीज में प्रॉब्लम है तो आप सीढ़ी चढ़ के कहीं ऊपर जा रहे हैं, दैट एंड बहुत स्ट्रांगली आप खुशी खुशी सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, या आप कोई माउंटेनियरिंग कर रहे हैं. अपने वजन के लिए अगर आपको दिखना है, सो रादन से कि मेरा वजन झड़ रहा है विच इज ग्रेट,
आप देख सकते हैं कि आप कैसे फिट एंड फाइन फील कर रहे हैं इन योर आइडियल शेप ऑफ द बॉडी, आपकी एनर्जी कैसे है। अगर आपका माइग्रेन है तो आप देखें कि आप कितना सम अच्छी थिंकिंग्स कर रहे हैं, थॉट्स कर रहे हैं, आगे अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, सब चीज का जवाब आपको मिल जाएगा इन योर मेडिटेशन, हर चीज का। और जिन लोग को प्रॉब्लम है यू नो थिंग्स लाइक डायबिटीज, थिंग्स लाइक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड, हम जब तक अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे ये सब ठीक नहीं होगा। मेडिटेशन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी एनर्जी, हमारे चक्रास अलाइन हो जाते हैं और साथ साथ में कुछ बीमारियां छूट जाती हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी डाइट को देखना है। तामसिक खाना बिल्कुल भी मत खाएं, कोई भी खाना तीन घंटे से पुराना हो गया हो प्लीज मत खाएं। घरों में सुहाली माठी रखी रहती है बिल्कुल मत खाएं, बिकॉज वो बने हुए एक दिन, दो दिन, तीन दिन, सात दिन हो चुके हैं, बट अभी बनी है, अभी फ्राई हुई है, आपने खा ली, स्टिल ओके। आप देखिए इवन तला हुआ खाना तुरंत कढ़ाई में फ्रेश तेल में तला हुआ हो इट्स ओके। तलने का एक साइंस होता है कि आप खाना तेल एक बार इस्तेमाल करेंगे उसको दोबारा नहीं इस्तेमाल करें, वो फिर उसमें रेमिनेंट रह जाते हैं, और हम लोग उसको किफायती करने के लिए उसको डबल ट्रिपल बार यूज कर लेते हैं, वो भी टॉक्सिक हो जाता है। खाना किस तरीके से पका रहे हैं, किस बर्तन में पका रहे हैं, उससे भी टॉक्सिसिटी लेवल में फर्क पड़ता है। जितना सात्विक लाइफस्टाइल में जा पाए, अपनी बॉडी को दोपहर तक रॉ रख पाए, सब्जियां फल खा पाए, एक पका हुआ मील खा पाए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, दैट इज अश्योर्ड। एंड जो आपके पेन्स एक्स है सब खत्म हो जाएंगे। साथ में शिवा एंड छाया, आपने थायराइड के लिए बोला, आपने अपने गैस्ट्रिक माइग्रेन के लिए बोला है, आपको मैंने ऑलरेडी किताब भिजवाई हुई है ग्रुप में जिसका नाम है हील योर, यू कैन हील योर लाइफ भी भिजवाई हुई है, हील योर बॉडी भी भिजवाई हुई है, वहां प्लीज जाएं। उसमें एक इंडेक्स बना हुआ है एंड में लाइक बीमारियों के साथ का रीजन भी लिखा है कि बीमारी क्यों होती है, और एफर्मेशन भी साथ में दी गई है, प्लीज उसको प्रैक्टिस करिए, दैट्स हाउ सिंपल। एंड ग्रैटिट्यूड तो आपके आपको पता ही है कि करना ही है। आइए शुरू करते हैं अपनी मेडिटेशन फॉर एवरीवन। कैमराज ऑन करना चाहें तो आप सब कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन, गहरी लंबी सांस भरें, कमर को सीधी रखें, पीठ को सीधी रखें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। फिर सांस भरें और छोड़ें। तीसरी बार आज संध्या के लिए सांस भरें और बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ें, जब तक कि आपका पेट अंदर की तरफ बिचकता नहीं है, आंतड़ियों के पास नहीं जाता है, छोड़ते रहें। ऐसा करने से हमारी बॉडी की एनर्जी अलाइन होती है, हम सेंटर होते हैं, बैलेंस होते हैं, और हम मेडिटेटिव स्टेट में आसानी से पहुंच जाते हैं। जीवन जादुई है, जीवन चमत्कारी है, मैं जादुई हूं, मैं चमत्कारी हूं, मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं कृतज्ञ हूं उस सब के लिए, लेकिन आज मैं अपनी लाइफ में उस मुकाम पे जाऊंगी जहां मुझे कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका मिले। मुझे तीन लाइफ में रीजंस ढूंढने हैं जहां मैं बहुत खुश थी अपनी हेल्थ को लेकर, चाहे वो कभी किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया हो शादी ब्याह में, या मुझे अपनी बॉडी पसंद आई हो। नेगेटिव्स बहुत आएंगे शायद मेडिटेशन करते करते, किसी ने नेगेटिव बोला, ये हुआ, लेकिन आपको उसको झड़क के थॉट को ढूंढना है, स्कैन करना है, खोजना है उस पॉजिटिव फीलिंग को। तो आइए अपने 7 साल के वर्ष के रूप में चलें, आप क्लास 2 में होंगे शायद, यहां से शुरू करते हैं हमारी जर्नी। हम एक ऐसे स्टेज में आए हैं
जहां हम अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हैं। इस समय हम कैसा फील कर रहे हैं अपनी बॉडी के बारे में, अपने बालों के बारे में, अपनी त्वचा के बारे में, अपने रूप के बारे में। अब आप चलना शुरू करें और जब तक म्यूजिक चल रहा है, क्वाइटली चुपचाप अपने उस पल को खोजें जब आप बहुत खुश थे अपनी बॉडी से, किसी के बोलने की वजह से या खुद की फीलिंग करने की वजह से, और उस बात को लेकर आप अपने आप की तारीफ करें। आप अपनी बॉडी की तरफ कृतज्ञता व्यक्त करें कि आपने मुझे इतना अच्छा फील कराया। 3 samples, 3 relive करने हैं आपको अपनी लाइफ में जो बीता हुआ है आपके पास्ट में। आइए शुरू करिए। आप अपने आप को देखें अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, किसी और से कॉम्प्लीमेंट लेते हुए, और कृतज्ञता जताएं अपने शरीर के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी लुक्स के प्रति। जब आपने अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे देखा था, कितने प्रसन्न थे आप। अब हम मूव करते हैं अपने शरीर को धन्यवाद देने के लिए। कम से कम 5 कार्यों के लिए धन्यवाद देंगे जो हमारा शरीर अपने आप करता है। मेरे हिसाब से पहला धन्यवाद हमारे हृदय को जाए, जो रात में, दिन में, कभी भी हम सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, हमेशा धड़कता रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इतनी संपूर्णता से मेरे साथ रहने के लिए, धड़कने के लिए, अच्छे एहसास करवाने के लिए। अपने मस्तिष्क को थैंक यू बोलें, आपकी ब्रेन को, एनालिटिकल थिंकिंग पावर को। कभी हमने मिसयूज भी किया है अपने ब्रेन का, ज्यादा सोचा भी है, राय का पहाड़ भी बनाया है, लेकिन कितनी बार हमने इस ब्रेन के सहारे इतने सारे क्रिएटिव काम किए हैं। चाहे कुछ खाना किचन में बना के उसको ड्रेसअप ही किया हो, चाहे अपने आप को अच्छा करा हो, क्या कोई अच्छा डिजाइनिंग कहीं घर में अंदर करी हो, कितना कुछ हमें इस ब्रेन ने दिया है।
नए विचार उत्पन्न होते हैं, नए आइडियाज आते हैं, नया एनर्जी मिलती है. सो थैंक यू डियर ब्रेन फॉर द वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम यू हैव गिवन टू मी. तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं थी. अपनी नर्व्स को, अपनी पल्सेस को धन्यवाद दें कि तुम हमेशा चलती रहती हो, कभी नहीं रुकती. कृतज्ञ हूं उसके प्रति. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. अपने फेफड़ों को धन्यवाद देते हैं, लंग्स को, जो हमेशा ब्रीथ करते रहते हैं. जब कभी सांसें रुक जाएं, तो कहते हैं शरीर में प्राण नहीं रहे लंबे समय तक. सो अपने लंग्स को थैंक यू बोलते हैं, जो वंडरफुली मैजिकली हमेशा ब्रीथ करते रहते हैं. और एक कॉमन ग्रैटिट्यूड करते हैं अपने लिम्स के प्रति. हमारे हाथ पांव, जिनके बिना जीवन आसान नहीं था. हमारा गट सिस्टम, जिसमें हमारे लिवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम है. अगर आप अपना काम नहीं ईमानदारी से कर रहे होते तो हम कैसे होते. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अब आइए, आप अपने शरीर की क्या छवि देखना चाहते हैं? कैसा रंग है आपका? कैसा दिखना चाहते हैं? क्या वजन है आपका? कैसे बाल हैं आपके? कैसी बॉडी है आपकी? हेल्दी, सुपर हेल्दी, रेडिंग टू गो, फुल ऑफ एनर्जी? क्या ऐसी बॉडी है जो कभी विश्राम लेना चाहती ही नहीं, बस रात को एक बार बस सोती है मेडिटेट करके और सुबह एकदम फ्रेश उठती है एनर्जी के साथ, जिससे आपको अपने जीवन के प्रति बहुत प्रेम हो गया हो, आपको अपने बॉडी के प्रति बहुत प्रेम हो गया हो, आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, अच्छा सात्विक खाना देते हैं, जुबान की वजह से अब्यूज नहीं करते. सी योर बॉडी, सी कि आप क्या उसमें एनर्जी डाल रहे हैं. अपने आप को मेडिटेट करता हुआ देखें. सी इट, फील इट. अपने आप को बहुत आरामदेह म्यूजिक चल रहा हो और योगा करते हुए या वॉक करते हुए देखें. कितनी शांति, कितना आनंद आ रहा है जब आप वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं. एफर्टलेस है. आप ब्रीदिंग पे अपना ध्यान दे रहे हैं वॉक करते करते या योगा करते करते. आप जब बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप इंजॉय कर रहे हैं कि आपकी गांठें खुल रही हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल, लचीली हो रही है. जहां दर्द था वो भी बंद हो चुका है, बिकॉज अब ब्लड फ्लो हो गया है. दर्द होता था क्योंकि एनर्जी पोर्स ब्लॉक थे, ब्लड फ्लो ब्लॉक था. जब हम चल रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सब कुछ खुल गया. हम प्रतिदिन योगा कर रहे हैं, प्रतिदिन वॉक कर रहे हैं, प्रतिदिन मेडिटेट कर रहे हैं और हमारी बॉडी का वजन आइडियल वजन पे है. जैसे हम कपड़े पहनना चाहते हैं वैसे हम कपड़े पहन रहे हैं. क्या फीलिंग हो रही है? अपनी बॉडी को हम लव दे रहे हैं. मॉर्निंग में नहाते नहाते होपोनोपोनो शावर सुन रहे हैं, जब हम हर बॉडी पार्ट को आई लव यू बोल रहे हैं, हर बॉडी पार्ट से आई एम सॉरी बोल रहे हैं जो हमने जाने अनजाने में अब्यूज किया, और हर बॉडी पार्ट को कितना कृतज्ञता पूर्वक निहार रहे हैं, फील कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्यार जता रहे हैं. और जैसे छोटा बच्चा या एक छोटा पेड़ पौधा प्यार से नर्चर होता है, बड़ा होता है, ऐसे हमारी बॉडी नर्चर हो रही है, ग्रो कर रही है लव में, लाइट में. फैट सेल्स अपने आप ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि खुशी 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 हो रही है.
हर बॉडी पार्ट को हम सॉरी बोल रहे हैं जिसको हमने अब्यूज किया, जिन बालों को हमने अब्यूज किया, ग्रेव हो रहे हैं, उनको हम प्यार से सहला रहे हैं, वो भी रंग बदलेंगे। इसी को हम बोले कुदरत का करिश्मा है, मिरेकल्स हैं। विश्वास करिए कि वो बॉडी आप उसमें जी रहे हैं अभी। और अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई बीमारी है, थायराइड, डायबिटीज, नी में दर्द, सर्वाइकल, माइग्रेन, उसको टाटा बाय बाय बोल दें, क्योंकि अब आपकी इस बॉडी में आप अपने आप को देखिए मेडिसिन फ्री लाइफ में, कि मेडिसिन आपके लिए है ऊर्जा, एनर्जी, नेचर। अपने आप को पेड़ को हग करता हुआ देखें, माँ प्रकृति बहुत प्रेम नछावर करती है। आप हग तो करके देखें कितनी एनर्जी मिलती है, देखिए अपने आप को नेचर में जाकर पेड़ों को छूते हुए, अपने आप को हग करते हुए, घर में पौधे को पनपते देखते हुए, माइक्रोग्रीन्स उगाते हुए जिनको आप खाने में खाते हैं, रॉ फूड, रॉ सैलड्स। अपने आप को देखें कैसी लाइफ है आपकी, सात्विक खाना खाते हुए, जो एक्स्ट्रा खाना है उसको हटाते हुए, नहीं जरूरत तो मत खाएं। देखिए कि आप कैसे अपनी बॉडी को नर्चर नरिश कर रहे हैं, खाने में प्राण है, फ्रेश खाना खा रहे हैं, स्वाद से खा रहे हैं, चबा के खाना खा रहे हैं। खाने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन भी इंसानों की वजह से हमें खाना आज नसीब हुआ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मां प्रकृति के सारे जीवों को, जंतुओं को ब्लेस कर रहे हैं हम। जब हम इतने सैकड़ों लोग के लिए ब्लेसिंग रोज देते हैं, हम ब्लेसिंग की छाया से दूर कब तक रहेंगे? अदृश्य जीव से भी हमारे अंदर जीवन आएगा, धुआं आएंगी। जैसा जीवन हम चाहते हैं, फुल ऑफ मैजिक्स एंड मिरेकल्स, चमत्कारी, जादुई, हम उस जीवन को जी रहे हैं अभी। लेस इज मोर, हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, पर हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्वालिटी से कर रहे हैं और जीवन में आनंद पा रहे हैं। कल्पना करें अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी फिजिकल हेल्थ की, अपने आदर्श स्वास्थ्य की। अपना एक दिनचर्या देखें, सुबह उठ के कितना कृतज्ञ हैं सांसों के प्रति, बिस्तरे के प्रति, जो आपके पास इतनी फैसिलिटीज है उनके प्रति। ग्रैटिट्यूड लिखते हुए देखें, अपने आप को खिलखिलाते हुए देखें, अपने सुंदर बालों को छूते हुए देखें। जहां बाल उड़ गए थे वहां भी बाल आ चुके हैं, उनको सहलाते हुए देखें। चेहरे पे अगर झुर्रियां थी तो वो गायब हो गई, कील मुहां से तो गायब हो गए, रंग दब गया था तो वापस निखर गया। और अगर दबा हुआ रंग से हम पैदा हुए हैं तो कितना सुंदर है रंग मेरा, जैसा भी कितना सुंदर है। अपने कंधों को देखिए, क्या पोस्चर में बैठे हैं आप, कंधे झुका के दबा के सीधे, चैन से, बढ़िया से, पॉजिटिव वाइब के साथ, एकदम सुंदर काया, बैक की, कंधों की, हाथों की, जो आपका शायद पेट में या ब्रेस्ट में या आपके हिप्स में या कहीं पर वेट था, अब आप देख रहे हैं आपकी क्या बॉडी है, एक बदन जिसे बोलते हैं, एक हैरी बॉडी, टोन्ड कंप्लीटली, थैंक्स टू योगा, थैंक्स टू वॉक, जो हमने कभी छोड़ी ही नहीं। उसके बिना नींद ही नहीं आती, जरूरत पड़ती है। जैसे खाने की जरूरत पड़ती है, तो आजकल हमें व्यायाम की जरूरत पड़ती है। योगा करेंगे, वॉक करेंगे तो अच्छा फील करते हैं। सच अ ब्यूटिफुल बॉडी, सच अ ब्यूटिफुल लाइफ स्टाइल। मेडिटेट करना भी आवश्यक है और सबके लिए अपने आप टाइम निकल जाता है। सही टाइम सोते हैं तो सही टाइम पे उठते हैं। सुबह के समय देखें कितना सुंदर मैजिकल टाइम है ये,
कितना सारा काम हो जाता है, मेडिटेशन बेटर, वर्क बेटर, ग्रेटिट्यूड लिखना बेटर, आवर टाइम, ट्रूली आवर टाइम, अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनता हुआ देखें, बहुत किया दूसरों के लिए, अब फाइनली मैं अपने आप को प्रेम दे रहा हूं, दे रही हूं, मेरा स्वास्थ्य आदर्श हो चुका है। डियर बॉडी, डियर माइंड, डियर हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये दृश्य दिखाने के लिए। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यूनिवर्स पे हाथ खोलें, सब कुछ मांग लीजिए और देखिए कि आपके पास है सब कुछ, जितना दिया है बहुत दिया है, आप देते जाएं और मैं शेयर करती जाऊं, ऐसी मेरी मैनिफेस्टेशन है। जितनी तरक्की, जितनी ग्रोथ मेरी हो रही, उतना ही मैं चैनल ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स बन पाऊं। आप जो दें उसमें मैं चार चांद लगा दूं, ये मनोकामना है मेरी। हेल्थ इज वेल्थ, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है, अभी सभी की मनोकामना पूर्ण हो। सो इट इज, सो इट इज, सो इट इज। थैंक यू एंजल्स, गार्डियंस, फॉर ऑलवेज शोइंग अस राइट डायरेक्शन। थैंक यू हाईएस्ट असेंडेड मास्टर्स, हमें ब्लेस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए हाथ जोड़े नमन करें अपने लव्ड वंस के लिए, छोटे बड़े सबके लिए आदर सम्मान रहे, हमारे हृदय से रहे। शीर झुकाने का मतलब है अपने ईगो को सरेंडर करना, मुझ में अहम ना आए कभी भी, मैं हमेशा हम्बल एंड ग्राउंडेड रहूं और हमेशा किसी ना किसी काम आऊं, लेकिन अपने आप के हेल्थ को हमेशा प्रायोरिटी दूं, ये जानते हुए कि मेरी बॉडी के अंदर सारी हीलिंग पावर है, वो अपने आप मुझे हील करती है, मुझे किसी बाहरी दवाई की जरूरत नहीं है, मैं होल एंड कंप्लीट हूँ, संपूर्ण हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका कल्याण। Blessings of health, a life full of magic and miracles to each one, to you Sanya, to Kiran ji, to OP ji, Vaishali ji, Shobha ji, Anita ji, Sonia ji, Jaya ji, Mini ji, Babita ji, Vibhuti, Pooja, Vanna ji, Chaya ji, Nupur and little baby, wishing you lot of health, Kavita ji, Maisha, Shiba, Radni ji, Mahima, Manisha, and to everyone whose cameras are off, Rashmi, thank you, thank you, thank you. Be blessed, my dear ones. Thank you. Any reflections, any sharings? And जिनको अपने health goals ठीक करने हैं, वो उसको रोज भी कर सकते हैं meditation को. आज राहुल सर भेज देंगे. YouTube में आप download भी कर सकते हैं या playlist में बना सकते हैं, तो उधर आप रोज देख पाएं, सुन पाएं. Yes, Maisha. Is that your name? Because it says Maisha Event, so I'm not sure if that's your name. Ma'am, my name is Iti. Hi. Sorry, your name is? Iti. Iti, how lovely. Yes, Iti, please tell me. Ma'am, I last two or three days se kuch cheez ke liye bahut puzzle thi. Aur mujhe starting nahi mil rahi thi. To main lagi hui thi, mujhe nahi ho pa raha tha, bahut try bhi kari thi. बट थैंक यू फॉर दिस सेशन. मैं हर बार थैंक यू बोल रही थी, आज मैं थैंक यू बोल के सेशन में बैठी उनके, एंड मेरा काम आज बन गया. आई नो हाउ टू स्टार्ट माय थिंग्स. हाउ ब्यूटीफुल, हाउ वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू. आई एम हैविंग अ ग्रेट. थैंक यू फॉर बीइंग इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट हैज मिरेकल्स. सो आपने विश्वास रखा, ग्रेटिट्यूड किया, सो द मैजिक केम टू यू. थैंक यू फॉर शेयरिंग. Thank you. May you have success in your endeavors. May you start beautifully and take it to the heights. Thank you, thank you. Yes, Vanna ji. Hello, ma'am.
मैम जो ग्रेटिट्यूड फॉर बॉडी है, जैसे थैंक यू आईज, थैंक यू मतलब ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, कैन वी राइट इट 3 times a डे? जैसे मैं मॉर्निंग में उठते आई गो टू द टेरेस एंड आई राइट 1 page ऑन माय हेल्थ एंड 1 page जनरली. मैं कभी भी कृतज्ञता ज्यादा नहीं होती, लिखित शाब्दिक वैचारिक. अगर आपको लगता है कि आपको हर बॉडी पार्ट को स्कैन करके एक पन्ना रोज 1 या 2 या 3 बार लिखना है फॉर योर हेल्थ, एंड आपको लगता है कि उससे ज्यादा पावर आ रही है, सो कम्प्लीटली अप टू यू, इट्स नेवर टू मच. एंड मैम कल सोते सोते क्या हुआ, आई वाज जैसे आपने बोला था कि डोंट मिस द क्लास, तो मैंने मैजिकल हेल्थ वाला चैप्टर दोबारा, तो रात को सोते समय अपने आप माइंड में थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, चलते चलते कब मुझे नींद आ गई मैम मुझे पता ही नहीं चला. वेरी नाइस, अच्छा है ना. अगर आप ग्रेटिट्यूड में सोई हैं और क्या इससे बेटर हो सकता है. इट्स अ मतलब मुझे अभी तक मैजिकल रॉक नहीं मिला है, तो व्हाट आई डू आई थिंक अबाउट द बेस्ट पार्ट एंड देन आई गो. वेरी गुड, बट मैजिक रॉक तो मिलना बहुत आसान है, बस देखिए सामने रखा हुआ है कहीं आपको दिख नहीं रहा है, बहुत आसान है. मैनिफेस्ट करिए ना कि मेरे हाथ में मैजिकल रॉक पे एक्सरसाइज कर रही हूँ. मैं वैसे करके आई स्लीप मतलब देती हूँ. मेरे पास तो ना 3-4 मैजिकल रॉक्स हैं, जो ट्रैवल पाउच है मेरा उसमें भी रहता है. मुझे पता है कि ट्रैवल पाउच तो मेरे टॉयलेट्रीज जो अलग ही रहती हैं उसके अंदर रहता ही रहता है कि वो रात को जब ब्रश करेंगे तो निकलेगा, तो मुझे करना ही है, कभी भूल नहीं जाए. सो मतलब मैजिकल रॉक क्या, ये जो अभी टेबल पे भी रखा है आपके पास, पेबल्स नहीं आते ये वाले रंग रंगीले रॉक? सुन लिया, आई मीन ये तो मार्केट में बहुत इजीली मिलते हैं आपको. अगर गार्डन पार्क से नहीं भी मिल रहा तो ये पेबल तो कहीं भी मिल जाएगा. दीज आर कलरफुल स्टोन्स, ग्लेज्ड रहते हैं, प्रिटी कलर्स में रहते हैं. सो आप कहीं से भी, बस मंशा होनी चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. सो महिमा थैंक यू फॉर योर मैसेज, यू सेइंग थैंक यू प्राची जी, आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्लास, स्माइल कम्स ओवर माय फेस एज़ सून एज़ आई स्टार्ट मेडिटेटिंग विद यू. गॉड ब्लेस यू महिमा एंड थैंक यू फॉर योर ग्रैटिट्यूड. All right, everyone. Thank you so much. I have a question to ask. कल हमने session miss किया because मेरी EO की था, तो कल Sunday को कर लें, because फिर इतना लंबा, फिर दो बहुत ज़्यादा breaks हो जाएंगे. Is that okay? कल session कर लें Sunday को, आगे से Sunday को एक break ले लेंगे. कल आप comfortable हैं तो आप session कर लेते हैं, ठीक है? Thank you, Manisha. I can see a couple of nodding heads. So कल शाम को 5 बजे फिर मिलते हैं.